हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इट्स अ अमेजिंग 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 ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूटन, मैक्सवेल, फैराडे, गैलीलियो और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ये शायद उनमें से महान थे। 1819 के एंड तक इन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया है और जितनी भी फिजिक्स हो सकती थी इन्होंने उसे अनफोल्ड कर दिया है, ऐसा 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 घमंड उन्हें होने लगा। लेकिन अब भगवान को तो जानते ही हो, जब जब किसी इंसान को घमंड होता है तब तब उसे तोड़ने आते ही हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनके साथ क्या हुआ था ये हमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके थ्योरी के हिसाब से ये मैच नहीं हो रहा था। कुछ साइंटिस्टों को इसमें डाउट हुआ कि ये तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे फिर भी इसके एक्सपेरिमेंट थ्योरी के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे। तो अगर मैं ये कहानी आपको सुनाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि हमारा एम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी एंड फुल एंथुजियाज़। तो अब देखते हैं पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होता है। जैसे कि एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये छोटे 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 बॉल्स हैं। तो हर छोटे बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हर छोटे बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे भी आप कह सकते हो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और ये साउंड वेव है, साउंड वेव के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट में फ्लो करती है। और इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट वे फ्लो करने का मतलब मेरा है ये है कि हर बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बॉल इसको हिट करेगा, ये बॉल इसको हिट करेगा, ये बॉल इसको हिट करेगा, मतलब धीरे धीरे कर करके फाइनली यहाँ पे पार्टिकल पहुँचेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, साउंड के केस में भी ऐसा ही होता है, साउंड वेव के केस में? नो, इसमें क्या होता है कि साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखें आप, मैं एक छोटा सा सेटअप बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें आप, ये मैंने छोटा सा सेटअप बनाया। तो ये जो छोटा बॉल है वो इस वाले बॉल को हिट करेगा, इस बॉल को हिट करेगा, इस बॉल को हिट करेगा, मतलब धीरे धीरे करके हिट करते करते इस वॉल तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का जो फ्लो है वो डिस्क्रीट वे में हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कर करके इस तक एनर्जी पहुंचेगी। लेकिन क्या लगता है आपको, साउंड के केस में भी ऐसा ही होता है, वेव के केस में भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और कोई व्यक्ति उसे सुन रहा है, तो क्या लगता है आपको, साउंड जो है वो एनर्जी आदमी को धीरे धीरे करके सुनाई देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो फाइनली इस वॉल पे जाके इस रीजन पे रुक जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या लगता है, यहाँ पे भी पार्टिकल जाते होंगे? नहीं, नो डिफ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब ही होता है कि पार्टिकल्स स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पे भी पार्टिकल्स नहीं पहुँचेंगे। पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ इस रीजन तक रहेंगे। लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता। इससे जो एनर्जी निकलेगी वो यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन कि यहाँ पर जाके स्प्रेड हो जाएगी, हर एड्स पर वो स्प्रेड हो जाएगी। इसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ एड्ज। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।